नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाएंगे। ये देखिए, इसके लिए हमने ली है गोभी और ये मीडियम वाले कद्दूकस से इसे कद्दूकस कर लेंगे। पहले इसे काट लेते हैं छोटे पीसेस में, ज़्यादा छोटे भी नहीं करेंगे, मीडियम से पीसेस कर लेंगे। और इसे हम कर रहे हैं दो पीस में, गोभी को हमने काट लिया है और इसे अलग अलग कर लिया है। एक थाली या जो भी आप जितने पराठे बनाने चाहें उतने साइज की। और ये ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा रह जाता है इसे हम निकाल देंगे। आप देखिए, इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे,
इस तरीके से हाथ से थोड़ा फैलाएंगे और इसे हम बेलन से बेल लेंगे। तब तक ये तवा गरम हो गया है, हमने पहले ही तवा रख दिया था तेज आंच पे और फिर इसे सिम पे कर दिया था। अब ये देखिए पराठा है बनके तैयार, इसे अब सेकना बाकी है। ये देखिए तवे पे हमने डाल दिया है और गैस थोड़ी सी तेज कर दी है, मीडियम जो आंच है। तब तक ये पराठा सिक रहा है, एक हम दूसरा जो है लोई बना लेते हैं आटे की, उसको फैला लेते हैं और उसमें मिक्सचर भर के तैयार करते हैं। ये देखिए हल्का सा पराठा एक साइड से सिक गया तो इसे पलट दिया, अब दूसरी साइड से पराठा सिक रहा है और इस साइड हमने ये तेल लगा दिया और इसको पलट दिया, तब इस साइड भी हमने तेल लगा दिया है। ये देखिए कितना सुनहरा कलर आया है पराठे का, देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये पराठा खूबसूरत सा बन के तैयार है और टिश्यू पेपर हमने प्लेट में रख लिया ताकि जो एक्स्ट्रा उसका ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए टीट का अचार हमने लिया है और साथ में नींबू का अचार है, आप बटर भी ले सकते हैं और बच्चे हैं तो सॉस के साथ भी उन्हें दे सकते हैं, और कोई और अचार घर में हो या चाय या दही रायता कुछ भी ले सकते हैं। और सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पराठों का आनंद ले सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत पराठा है, कितना सुनहरा पराठा है ये, और बहुत ही यम। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही शानदार रेसिपीज हम आप तक पहुंचा सकें।